नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयरबाज में। आज हम लोग बात करेंगे श्री इंफ्रा की। आपको पता है कि ये IRP की स्टेज वन में आ गया है और रेगुलर ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो रखी है। ये मंडे सिर्फ ट्रेड हो रहा है। हालांकि पिछले मंडे ट्रेड नहीं हुआ था क्योंकि उसी दिन वो आया था, तो इसलिए मंडे को नहीं हुआ था। अभी आपको अगले यानी कि जो आने वाला मंडे है उसमें आपको ये ट्रेड होते हुए दिखेगा। तो अब वहाँ पर उसमें क्या करना चाहिए, वीडियो के अंत में हम लोग जरूर देखेंगे। सब कुछ बताऊंगा मैं क्या करना चाहिए आपको। और अभी जो नया बखेड़ा आ गया है, नया रायता फैल गया है, इसमें वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो न्यूज़ है उसको मैं पूरी कवर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। उससे पहले ही हमारा टेलीग्राम चैनल है शेयरबाज, इसी नाम से है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं जो न्यूज़ वगैरह होती है मैं पहले ही डाल देता हूँ यहाँ पर आपको, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डालता हूँ, अननेसेसरी स्टफ़ नहीं डालता हूँ यहाँ पर। और मैं वीडियोस के लिंक यहाँ शेयर करता हूँ, कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं डालता है, तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं ऑथम, यानी कि जो देखिए आपको ये तो क्लियर, अभी आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है कि NARCL की जो बिड है उसको यहाँ पर COC ने, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया, और वो कहाँ गई है, NCLT के पास गई है अप्रूवल के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे रिलायंस कैपिटल में हुआ था ना, टोरेंट ग्रुप जीत गया था और फिर पीछे से आके नई बोली लगा दी थी, हाईएस्ट बिड लगा दी थी, और उसका अभी देखिए सेकंड राउंड ऑक्शन का और ना जाने क्या क्या कितना रायता फैला हुआ है रिलायंस कैपिटल में भी। और उसी तरह का रायता यहाँ पर आपको एक दूसरा नया देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है प्रमोटर फिर से ही खरीदने आ गए थे, उन्होंने तो अभी एप्लीकेशन डाली हुई है। और यहाँ पर इन्होंने जो ऑथम हैं और दूसरे जो बिडर थे है ना, जो बहुत ही कम मार्जिन से पीछे रह गए थे, यानी कि 55 करोड़ की बोली इन्होंने लगाई थी NARCL ने, 5,555 करोड़ की, और शायद 5,527 करोड़ की शायद इन्होंने लगाई थी ऑथम ने। तो इन्होंने भैया आरोप लगाया और NCLT कोलकाता में यहाँ पर एप्लीकेशन दी है कि भैया ये जो रिव्यू करने की मांग कर रहे हैं, किसकी, अप्रेजल मैट्रिक्स इन श्री इंसॉल्वेंसी। अब ये अप्रेजल मैट्रिक्स क्या बला है, देखिए इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा PhD नहीं करनी है, आप सीधा सा समझिए कि कुछ पैमाना बना दिया जाता है कि हाँ अगर ये मामला इतना होगा तो इसमें इतना स्कोर दे दिया जाएगा, अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी तो उसमें इतना स्कोर दे दिया जाएगा। तो उसी तरह से एक पैमाना है नापने का, मतलब कितना स्कोर रहेगा किसी चीज़ का। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बात करेंगे, देखिए 23 फरवरी की न्यूज़ है और लगभग 1 बजे के आसपास आई है। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइल्ड पिटीशन इन द कोलकाता NCLT, बिल्कुल, सीकिंग रीवैल्यूएशन ऑफ अप्रेजल मैट्रिक्स दैट गेव द विनिंग बिडर। देखिए इसी के आधार पर, जो ये अप्रेजल मैट्रिक्स है इसी के आधार पर क्या क्या हुआ था, NARCL को विनिंग बिडर बनाया गया था, यानी कि ये जीता था, हायर स्कोरर इन द बिड फॉर द ट्विन श्री कंपनी, बिल्कुल यहाँ पर दो श्री कंपनियों के लिए ये हायर बिडर बन के निकला था। अब ऑथम क्या कह रहा है देखिए, कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स यूज़ करी गई है अप्रेजल मैट्रिक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए उसको ज़बरदस्ती का इन्फ्लेट किया गया, उसको ज़बरदस्ती का बढ़ाया गया है, और जो रिकवरी का मतलब, देखिए NARCL क्या है अगर आप ये नहीं जानते तो आपको नहीं समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने NARCL फ्यूचर रिटेल के मामले में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। NARCL का काम होता है कि लोन को खरीदता है और उसके बाद रिकवरी करके पैसे की वसूली करता है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं, यहाँ पर बोला है कि रिकवरी से जो भी कुछ होगा उसके बाद का हिस्सा भी क्या कहते हैं हम आपको पहुँचाएंगे। इस तरह की यहाँ पर बिडिंग हुई है, कुछ जो मामला आया है अभी तक सामने जो संज्ञान में है वो, तो वहाँ पर यही ये कोट कर रहा है, इवन द सिक्योरिटी रिसीट्स यूज्ड बाई NARCL हैव बीन कंसीडर्ड एज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, बिल्कुल यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिसीट दी गई हैं NARCL के द्वारा, और ये NARCL की जो सिक्योरिटी रिसीट होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू बैकअप होता है, मतलब गवर्नमेंट उसको जारी करती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो NARCL पर वीडियो जरूर देखिए एक बारी, है ना, तो उसको किस तरह से कंसीडर किया जा रहा है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की तरह, एंड मार्क लाइक दैट देयर इज नो गारंटी दैट दे विल बी रिडीम्ड एट द एक्सपेक्टेड प्राइस, बिल्कुल यहाँ पर कोई गारंटी नहीं कि उनको एक्सपेक्टेड प्राइस पर रिडीम किया जाएगा, मतलब उसको वापस पैसे में कन्वर्ट किया जाएगा। थर्ड अ पर्सन फेमिलियर विद ऑथम, जो भी किसी आदमी ने बताया जो ऑथम से रिलेटेड है फिलहाल। अच्छा, श्री एडमिनिस्ट्रेटर रजनीश शर्मा, जो बिल्कुल श्री के एडमिनिस्ट्रेटर हैं रजनीश शर्मा साहब, डिड नॉट रिप्लाई ऑन ईमेल, आपको पता है ये सब जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये सब रिप्लाई फिलहाल नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ों का, हालांकि करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स असेस्ड बाय ET इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा जो डॉक्यूमेंट का असेसमेंट किया गया उसमें देखिए क्या क्या सारी चीज़ें हैं कि जो NARCL ने प्लान दिया है उसमें कैश कंपोनेंट देखिए कितना है, 3180 करोड़ का है, मेजॉरिटी ऑफ विच 2580 करोड़ वॉज अज्यूम टू बी एक्यूमुलेटेड इन द कंपनी, बिल्कुल द बैड बैंक, NARCL को ही बैड बैंक भी कहते हैं, ठीक है आप ध्यान रखिएगा इसको। हैड ऑल्सो प्लान टू इन्फ्यूज 600 करोड़ इन कैश, बिल्कुल, इट हैज़ ऑल्सो ऑफर्ड अ 20% इक्विटी स्टेक इन द लेंडर्स वैल्यूड एट 200 करोड़। देखिए इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बाइफर्केशन के साथ मैंने सब कुछ बताया था कि कैसे कितना स्टेक क्या किसको किसके मिलने वाला है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए, मुझे जहाँ तक याद है मैंने सारा कुछ क्लियरली बताया था।
NARCL's offer is valued to, देखिए भाई 55 करोड़ रुपए इन नेट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी 55 करोड़, और ऑथम्स का ऑफर देखिए टोटल वैल्यूड कितनी था 55 करोड़। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जो दोनों की बिड में। और इनका देखिए 3240 करोड़ रुपए कैश टू बी इन्फ्यूज इन द कंपनी इंक्लूडिंग एन अमाउंट अज्यूम्ड 2100 करोड़ एक्यूमुलेटेड इन श्री। बिल्कुल अनलाइक NARCL, ऑथम हैड ऑफर्ड 2286 करोड़ इन NCDs, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विच वर बींग एन इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑथम ने तो भैया ऑफर किया था NCD, जो हर साल इनका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑथम है उसने कुछ जेन्युइन क्वेश्चन उठाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि NARCL की जो कार्य प्रणाली है ना उसको, उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। और यहाँ पर एक दो अभी और अच्छे पॉइंट इन्होंने बोले हैं, आप आगे देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ऑथम से जब इन्होंने बात करी, मेल किया इकोनॉमिक टाइम्स है, तो उन्होंने खुद ही बोला है, ऑथम कंफर्म डेट दे हैड फाइल्ड अ पिटीशन इन कोलकाता NCLT। बिल्कुल इन्होंने खुद कंफर्म किया, और वो कह रहे हैं हमने 250 करोड़ रुपये ऑफर भी किया था अपफ्रंट कैश जो लेंडर्स को, कि जो इनके नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको 5556 करोड़ कर दिया जाए, यानी कि उससे 1 करोड़ की बिड ज़्यादा हो जाएगी तो इनको मिल जाएगा कुल मिला के। बट ओनली बिडर चूज अस द हाइएस्ट बिडर, ऑथम सेड इन अ ईमेल रिस्पॉन्स। बिल्कुल कह रहे हैं अगर उन्होंने हमको चुना होता तो हम 250 करोड़ अपफ्रंट कैश और बढ़ाकर ऑफर कर देते। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑथम का और जो कंटेंशन है वो क्या है, वहाँ पर ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो भैया इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो फेयर नहीं है। यहाँ पर जो NARCL को ने जो ऑफर किया सिक्योरिटी रिसीट्स वगैरह, उसके बदले में जो कंपनी है इटसेल्फ विल अर्न अ फी ऑफ 25% इन एवरी रिडम्पशन, तो कंपनी को खुद उसके बदले में 25% की जो रिडम्पशन पर फीस मिलेगी। दूसरा यहाँ पर इनका कहना है कि भैया जो अगर ये रिकवरी नहीं कर पाते NARCL तो क्या करेंगे भैया, फिर से उठा के बैंकों को ही वापस दे देंगे। तो ये एक जो कंसर्न है ना, ये थोड़ा सा मुझे जेन्युइन लग रहा है ऑथम ने जो उठाया है कि भाई NARCL तो रिकवरी ही करती है एक तरह से। मैंने अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप देखिए, अगर आपने वो नहीं देखा है मज़ा नहीं आएगा आपको वीडियो देखने में। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए खैर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैड अप्रूव्ड द NARCL तो ऑफर भी, बिल्कुल 89.25% वोट के साथ यहाँ पर NARCL का ऑफर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया था। वहीं जो सेकंड हाईएस्ट बीडर था यानी कि ऑथम, उसको कितना परसेंट वोट मिला था, 86.63% गॉड बाई ऑथम। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है यहाँ पर दोनों में जो विनिंग उसमें परसेंटेज में। विद इट्स इंक्रीज ऑफर द मुंबई बेस्ड NBFC एक्सपेक्ट टू टिल्ट द स्केल इन इट्स फेवर। बिल्कुल यहाँ पर जो अपना ये ऑफर अब इन्होंने बढ़ा के दिया है ऑथम ने, तो इनको लग रहा है कि अब ये मामला पलट देंगे और अब इनके पक्ष में बॉल आ जाएगी। यहाँ पर गए जो सारी न्यूज़ थी, मैंने पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने कवर कर दी। आपको पता है कि मैं न्यूज़ का पूरा एनालिसिस करता हूँ, फिर चाहे वो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए तो गाइज उसके लिए मैं क्या करूँ, लेकिन आपको इसलिए मैं सारी चीज़ें लाता हूँ कि आपके सामने क्लियर कट पिक्चर आ जाए, कि भैया जो जो सारी चीज़ें वो आपको पता चल जाए। अब बात आती है कि करना क्या चाहिए। देखिए गाइज मंडे को यहाँ पर आपको 100% आप मान के चलिए लोअर सर्किट ही देखने को मिलेगा, खूब सारे ऑर्डर लगे होंगे, आप चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे मेरे हिसाब से, तो अभी निकलना ही ठीक है। लेकिन हाँ, जिनका बहुत ज़्यादा लॉस है यानी कि जिनका 70%, 80%, 90% लॉस है, उनका रुकना ही ठीक है। फिर देखने दीजिए रिजोल्यूशन प्लान में क्या सारी चीज़ें फाइनल होती हैं, क्या शेयर को डिलीट किया जाएगा, क्या उसके बदले में उसकी जो वैल्यू है कम कर दिया जाएगा, कुछ के बदले में कुछ शेयर दे दिए जाएंगे नई कंपनी के, या उसको लिस्टेड रहन दिया जाएगा, व्हाटएवर जो भी उसका निकल के आएगा मैं आप लोगों को लगातार अपडेट देता रहूँगा, है ना गाइस। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी चीज़ें आपने थंबनेल में देखी लगभग सारी चीज़ें वो यहाँ पर कवर हो गई हैं। और दूसरी चीज़ क्या गाइस, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एस्प्रेसो बाय शेर खान और LIS ब्लू दोनों में से किसी में भी अगर खुलवाना चाहते हैं तो आप खुलवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कई सारे शेयरों के एनालिसिस भी लगातार करता रहता हूँ, आप जाके देखिए मेरे चैनल के अंदर, थोड़ा सा घूम घाम के आइए, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। चलिए गाइस धन्यवाद।